20वीं सदी की सबसे घातक विरासतों में से एक है युद्ध में लैंडमाइंस का इस्तेमाल। इन जमीन में दफने लैंडमाइंस को किसी योद्धा से लेकर वाहनों और टैंकों को नष्ट या निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया जाता है। लैंडमाइन एक ऐसा विस्फोटक है जिसे सतह के नीचे छुपा दिया जाता है और जब कोई व्यक्ति या वाहन इसके ऊपर दबाव डालता है या इसके नजदीक से गुजरता है तो इसमें विस्फोट हो जाता है। दुश्मन को किसी स्ट्रेटेजिक एरिया तक पहुंचने से रोकने के लिए या उसकी गतिविधि को बाधित करने के लिए दुश्मन के रास्ते में कई सारे लैंडमाइंस लगाए जाते हैं जिसे माइनफील्ड कहते हैं। अक्सर माइन विस्फोटक बल, छोटे छोटे नुकीले टुकड़े या जहरीली गैस छोड़कर किसी को क्षति पहुंचाता है। माइन के 350 से भी ज्यादा प्रकार हैं, पर फिर भी इन्हें दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, एंटी टैंक माइंस और एंटी पर्सनल माइंस। इन दोनों तरह की माइंस का काम करने का तरीका लगभग एक जैसा होता है, लेकिन आमतौर पर एंटी टैंक माइंस बड़े साइज के होते हैं और इनमें एंटी पर्सनल माइन के मुकाबले ज्यादा बारूद होता है। एंटी टैंक माइंस किसी टैंक या ट्रक को तबाह करने के साथ साथ इसके आसपास मौजूद लोगों को भी मौत के घाट उतारने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा एक एंटी टैंक माइन में विस्फोट करने के लिए ज्यादा दबाव की जरूरत होती है। वहीं एंटी पर्सनल माइंस को खास तौर पर पैदल सैनिकों को किसी भौगोलिक क्षेत्र पर पहुंचने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइंस प्रेशर, ट्रिप वायर या रिमोट डिटोनेटर से एक्टिवेट हो जाते हैं और अपने टारगेट को तुरंत ही तबाह कर देते हैं। ज्यादातर माइंस में एक मेटल की बॉडी होती है जो विस्फोट होने पर छोटे छोटे घातक नुकीले टुकड़ों में फट जाती है। हालांकि कुछ माइंस में पहले से ही मेटल के टुकड़े और मेटल बॉल्स को डाल दिया जाता है। यह एक एंटी पर्सनल माइन M16 है जो कि एक बाउंडिंग टाइप का माइन है। ये माइन दूसरे माइंस की तरह जमीन के नीचे नहीं फटता है, बल्कि फटने से पहले यह उछलकर हवा में लगभग 1 मीटर तक चला जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा इलाके को क्षतिग्रस्त किया जा सके। M16 एक बेहद खतरनाक हथियार है जो कि 30 मीटर के दायरे में किसी की भी जान ले सकता है और इसका खतरा 200 मीटर तक बना रहता है। ये माइन फ्यूज M605 प्रोपेलिंग चार्ज और कास्ट आयरन शेल से मिलकर बना होता है जो एक स्टील केस के अंदर पैक्ड होते हैं। शुरुआत में माइन फ्यूज और माइन अलग अलग होते हैं। माइन को सेट करने से पहले फ्यूज को माइन में बने होल में कस दिया जाता है। फ्यूज के ऊपर 3 प्रेशर प्रॉन्ग्स होते हैं और इसके साइड में एक रिलीज पिन होती है। ये स्ट्राइकर है। स्ट्राइकर स्प्रिंग के दबाव में होता है और इसे रिलीज पिन की मदद से प्राइमर पर स्ट्राइक करने से रोका जाता है। रिलीज पिन स्प्रिंग के दबाव में स्ट्राइकर में बने खांचे में लगी रहती है और स्ट्राइकर को लॉक्ड पोजीशन में रखती है। फ्यूज तब काम करता है जब इन प्रॉन्ग्स पर पर्याप्त दबाव डाला जाता है या रिलीज पिन को बाहर की ओर खींचा जाता है। माइन को जमीन में खोदे गए गड्ढे में छुपा दिया जाता है। लैंडमाइन को एक्टिवेट करने के लिए लॉकिंग सेफ्टी पिन और फिर पॉजिटिव सेफ्टी पिन को निकाल दिया जाता है। जब कोई तीनों में से किसी भी प्रॉन्ग पर कदम रखता है तो ट्रिगर, जो कि प्रेशर स्प्रिंग के दबाव में होता है, नीचे की ओर जाने लगता है। ट्रिगर का एक छोर, जो कि वेज शेप का होता है, रिलीज पिन को बाहर की ओर धकेल देता है, जिसके कारण माइन को जमीन में खोदे गए गड्ढे में छुपा दिया जाता है। लैंडमाइन को एक्टिवेट करने के लिए लॉकिंग सेफ्टी पिन और फिर पॉजिटिव सेफ्टी पिन को निकाल दिया जाता है। जब कोई तीनों में से किसी भी प्रॉन्ग पर कदम रखता है तो ट्रिगर, जो कि प्रेशर स्प्रिंग के दबाव में होता है, नीचे की ओर जाने लगता है। ट्रिगर का एक छोर, जो कि वेज शेप का होता है, रिलीज पिन को बाहर की ओर धकेल देता है, जिसके कारण स्ट्राइकर अनलॉक हो जाता है और इसलिए स्ट्राइकर स्प्रिंग के दबाव के कारण प्राइमर से जा टकराता है।
प्राइमर में इम्पैक्ट सेंसिटिव विस्फोटक होता है जो झटका लगने पर जल जाता है और फ्यूज डिले चार्ज में इग्निशन शुरू कर देता है। फ्यूज डिले चार्ज 2 से 3 सेकंड तक जलता है जिससे दुश्मन को आगे बढ़ने और माइन से अपना पैर हटाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। फ्यूज डिले चार्ज की चिंगारी से फ्यूज इग्नाइटर चार्ज जल जाता है और फ्यूज इग्नाइटर चार्ज प्रोपेलिंग चार्ज को जला देता है। प्रोपेलिंग चार्ज में एक छोटा सा विस्फोट होता है जिसके कारण कास्ट आयरन शेल बाहरी केसिंग को पीछे छोड़ते हुए हवा में लगभग 1 मीटर की ऊंचाई तक उछल जाता है और इसी समय यह डिटोनेटर डिले चार्ज में इग्निशन शुरू कर देता है। जब कास्ट आयरन शेल लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर होता है दोनों डिटोनेटर्स में एक छोटा धमाका होता है जिसके कारण मेन चार्ज में आग लग जाती है। मेन चार्ज में आग लगने से बहुत सारी गर्म गैसें पैदा होती हैं जिससे अचानक से प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। कास्ट आयरन शेल इस प्रेशर को सहन नहीं कर पाता है और अनेकों छोटे छोटे टुकड़ों में फट जाता है। यह तेज गति से गुजरते हुए छोटे छोटे लोहे के टुकड़े ही किसी के जख्मी होने का या मौत का कारण बनते हैं। अंदर बाहर कैसे खेलते हैं? अंदर बाहर के खेल में खिलाड़ी डीलर फ्यूज को ट्रिप वायर के द्वारा भी शुरू किया जा सकता है। ट्रिप वायर को फ्यूज के रिलीज पिन रिंग से जोड़ दिया जाता है। ट्रिप वायर में 1.5 से 4.5 किलो का खिंचाव रिलीज पिन को बाहर खींचने में सक्षम होता है। रिलीज पिन खींचने से स्ट्राइकर अनलॉक हो जाता है और प्राइमर पर चोट करके फायरिंग मैकेनिज्म को शुरू कर देता है। जब ऊपरी सेफ्टी पिन अपनी जगह पर होती है तो यह स्ट्राइकर को नीचे गिरने से रोक कर रखती है और इसलिए चाहे प्रेशर प्रॉन्ग पर प्रेशर पड़े या रिलीज रिंग खींचे स्ट्राइकर प्राइमर पर चोट नहीं।